संगमा से संतोष कुमार की रिपोर्ट। विकास कार्यों की गति को तेज करने के लिए झारखंड सरकार की ओर से नव नियुक्त प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष रियाज अंसारी, उपाध्यक्ष देवचंद यादव ने अपनी सभी सदस्यों के साथ सोमवार को अपना कार्यभार संभाला। साथ ही प्रखंड द्वारा आवंटित प्रखंड कार्यालय में 20 सूत्री कार्यालय का उद्घाटन मुख्य अतिथि जीप सदस्य नंद गोपाल यादव, धुरकी 20 सूत्री अध्यक्ष ओबेदुल्ला हक अंसारी, 20 सूत्री अध्यक्ष रियाज अंसारी, उपाध्यक्ष देवचंद यादव, प्रमुख प्रतिनिधि अजय साव, प्रखंड अध्यक्ष जय गोपाल यादव सहित सदस्यों एवं महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ फीता काटकर अपने कार्यालय में प्रवेश किया। और वहीं पर 20 सूत्री अध्यक्ष रियाज अंसारी, उपाध्यक्ष देवचंद यादव बनने के बाद महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए जीप सदस्य ने कहा कि सरकार की धन्यवाद देते हुए कहा कि कमेटी को बेहतर रूप से संचालित करने के लिए जरूरत है, पद पा लेने से कुछ नहीं होता, पद तो किसी को किसी तरीके से निर्वाहन करना चाहिए जो सबसे बड़ी बात है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सभी महागठबंधन के सदस्य लोगों की समस्या को दूर कीजिए और किसी भी वक्त नंद गोपाल यादव की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा तत्पर हूँ। रमना प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह की आकस्मिक निधन हो जाने को लेकर 2 मिनट का मौन रखकर मृत आत्मा की शांति के लिए सभी ने ईश्वर से प्रार्थना किया। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष जय गोपाल यादव, 20 सूत्री सदस्य विनोद ठाकुर, मंगलेश यादव, हनुमंत यादव, शशि यादव, सुनेश्वर यादव, सगमा मुखिया नारायण दास यादव, घघरी मुखिया विनोद कुमार राम सहित काफी संख्या में महागठबंधन के लोग उपस्थित थे।